हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको AC और DC के बारे में बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। AC और DC। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट, जैसा कि सब लोगों को पता है। बट हम लोग आज कुछ नया जानेंगे, नया सीखेंगे और थोड़ा सा डीपली देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पिक्चर दिख रहा, फोटो जिनका दिख रहा है, उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। बचपन में हम लोग ने पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया था वो और कोई नहीं थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो दिख रहा है, ये DC से ऑपरेट होता था उस टाइम। तो इन्होंने ही DC, अगर क्वेश्चन पहले पूछा जाए कि अगर पहले AC आया था या DC, तो इसका जवाब है सबसे पहले DC आया था, मतलब डायरेक्ट करंट सबसे पहले आया था, बाद में AC आया। चलिए देखते हैं AC कैसे आ गया। पहले DC आया था, तो इन्होंने ही DC को जो है पॉपुलर किया था और इस बल्ब का आविष्कार भी किया था। और इनका ये सपना था कि वो हर घर तक ये बल्ब को पहुंचा सके और पूरे देश को लाइटिंग प्रोवाइड करा सके। तो इन्होंने ही एक प्लांट भी बनाया था, पावर प्लांट, जो कि DC से ऑपरेट हो, मतलब DC जनरेट करता था और उसके थ्रू ये बल्ब जलाते थे। जो इनका कॉलोनी था वहां से लगभग 1 मील तक ही वो इस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे, उससे ज्यादा दूर की कैपेसिटी इनके पास नहीं थी। अगर वो और चाहते थे उन्हें और भी एक्स्ट्रा पावर प्लांट बनाना पड़ता, जिसके वजह से इनका सपना थोड़ा पूरा नहीं हो पाया। तो देखा जाए इनका ड्रॉबैक जो क्या था, जिसके वजह से ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। एक्चुअली इनका इन्वेंशन बहुत सारे इन्वेंट किए, तो एक्चुअल में अपने आप में पॉपुलर है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर DC की बात किया जाए तो DC कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ लॉसेज। तो इनका क्या होता था, DC के वजह से क्या होता था, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते थे। मान लिया मुझे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, तो DC उतना लंबा जो है आपका ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता था, जिसके वजह से बहुत सारे लॉसेस होते थे, जहां मुझे जितना मिलना चाहिए वोल्टेज नहीं मिल पाता था, जिसके वजह से इनका ये सबसे बड़ा मेन जो ड्रॉबैक था यही था। उसके बाद हुआ क्या, ये देखिए इनका नाम है निकोला टेस्ला। उसके बाद ये आए, इन्होंने ही क्या किया, AC का आविष्कार किया, मतलब इन्वेंट किया, या AC को ही इन्होंने जनरेट किया है, जिसके वजह से ये बहुत पॉपुलर हुए। और जो आज हम लोग AC जो यूज कर रहे हैं, ये इन्हीं का ही देन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं का ही देन है AC आज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखा जाए अल्टरनेटिंग करेंट, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से जनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं AC जनरेटर या अल्टरनेटर भी बोलते हैं। अगर DC को देखा जाए तो हमें कहाँ से मिलती है, चाहे वो सेल्स हो सकते हैं या बैटरी हो सकते हैं, जो हमारे घर में आज भी लोग बहुत ज़्यादा ये यूज भी हो रहे हैं, जो आज घरों में लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं, ये इन्हीं का ही देन है डायरेक्ट करेंट। इसके वजह से हम लोग आज सेल्स और बैटरी में जो है क्या कर देते हैं, हम लोग चार्ज को स्टोर कर हम लोग जब लाइट नहीं रहती तो इसका यूज कर लेते हैं। चलिए इससे पहले हम लोग को सबसे पहले समझना है कि फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है, क्योंकि अभी जो हमारे पास दो टाइप की फ्रीक्वेंसी आएंगी, 0 हर्ट्ज़ और 50 या 60 हर्ट्ज़, उसको समझने के लिए ये आपको समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, साइकिल पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ। जैसे कि ये AC का जो आपका ग्राफ जो होता है, ये ऐसा होता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में भी जाएगा, पॉजिटिव पे भी जाएगा और निगेटिव पे जाते हुए जाएगा। अगर कह दिया जाए 50 हर्ट्ज़, इसका मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज़ का मतलब हो गया कि आपका एक सेकेंड में 50 बार, मतलब 50 ऑसिलेट करेगा ये। जैसे कि यहां से दिख रहा है पॉजिटिव और निगेटिव, ये एक साइकिल कंप्लीट किया, ये दो साइकिल, ये तीन साइकिल, ऐसे करते करते जो है आपका एक सेकेंड में 50 बार वो क्या करेगा, साइकिल को कंप्लीट करेगा, तब उसे क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्ज़। अगर एक सेकेंड में 60 बार अगर ये कंप्लीट करते हैं साइकिल को, तो उसे बोलेंगे 60 हर्ट्ज़। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, 60 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है। जैसे कि DC में ऐसा कुछ होता नहीं है कि निगेटिव पॉजिटिव साथ में कोई भी साइकिल नहीं बनता है। और जैसे कि आपका DC जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो हमारी बैटरी भी मिलती है, इसी तरीके से 10 वोल्ट का 20 वोल्ट का
तो समझ में आ रहा है कि ये कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट सप्लाई देती है, 5 है तो 5 ही देगी। जैसा कि बहुत लोग जानते भी होंगे कि डीसी में जो है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 हर्ज होती है, और एसी में क्या होती है 50 हर्ज या 60 हर्ज होती है। 50 हर्ज का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब एक सेकंड में वो 50 बार क्या होता है साइकिल उसकी ऑसिलेट हो रही है। 60 मतलब एक सेकंड पे 60 बार ऑसिलेट कर रही है, और यहाँ पर कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, कोई साइकिल भी नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट कांस्टेंट फ्लो होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा कंट्री में 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है और कौन सा कंट्री में 60 हर्ज। मैंने कुछ कंट्री के बारे में बताया है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि किस कंट्री में जो है 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी अभी जनरली यूज हो रहा है। जी हाँ, हमारे इंडिया में सभी को पता है कि 50 हर्ज एसी में जो है 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफगानिस्तान, जापान, कुवैत, श्रीलंका, चाइना, इन सब कंट्री में और बहुत सारी भी कंट्री है जहां पर 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। चलिए अब देखते हैं 60 हर्ज कौन कौन से कंट्री में यूज हो रही है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, सऊदी अरब और फिलीपींस जैसे कंट्री में जो है 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। उसके बाद चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं एसी में क्या, और एसी में और डीसी में ये देखिए, डीसी प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज और करंट, जैसा कि फोटो में मैंने फिगर में दिखाया था जैसे कि 5 वोल्ट था, तो ये कांस्टेंट 5 वोल्ट ही सप्लाई करेगी, बट एसी में ऐसा नहीं है। एसी डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, तो ये क्या होती है अपने टाइम के अनुसार ये अपना चेंज करते रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और चीज है कि डीसी जो है आपका वन वे में फ्लो होगा, एसी जो है सीधा वन वे में फ्लो होगा, बट डीसी जो है रिवर्स में भी फ्लो हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि एसी में जब हम लोग काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है रिवर्स में भी करंट बैक करंट भी आ जाता है कभी कभी, बट डीसी में ऐसा कुछ नहीं है कि बैक करंट आ जाएगा, बट एसी में बैक करंट भी आ जाता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा खतरा भी हो जाता है कभी कभी। उसके बाद देखते हैं वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार अंटिल इट बिगेंस टू लॉस एनर्जी, जैसा कि ये डीसी का ये डिसएडवांटेज भी है, ड्रॉबैक्स भी है कि जो है हम लोग डीसी को जो है हम लोग ज्यादा दूर तक हम लोग ट्रांसमिट नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इससे बचते हैं। बट एसी में क्या है ये देखिए, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्ग सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर, जैसा कि आज हम लोग जो एसी यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं और बहुत दूर दूर से हमारे जहां पर हम रह रहे हैं यहां पर, और यहां से काफी दूर तक 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दूर पे वहां पर जनरेटिंग स्टेशन है, वहां से हमारे घर तक लाइन आ रही है, तो वो जो है एसी पे ही काम कर रहा है, जिसके वजह से मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर ले रहे हैं और लॉसेस भी नहीं ज्यादा हो रहा है। लॉसेस तो होता ही है बट उतना भी लॉसेस नहीं हो रहा है जितना डीसी में हो जाता था, जिसके वजह से एसी को हम लोग आज प्रिफर किए हुए हैं। अगर देखा जाए डीसी को, तो डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में बैटरीज वगैरह रहते हैं या सेल्स रहते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं डीसी को क्या कर देते हैं स्टोर कर देते हैं, बट एसी को हम लोग स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे भी रिसर्च चल रहा है कि एसी को कैसे स्टोर करें, अभी बहुत सारे कंट्री हैं जैसे कि चाइना, वो अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे एसी को स्टोर कर पाएं। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग जो है एसी को जो है कितने केवी मैक्सिमम कितने केवी तक हम लोग जो क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन करते हैं जनरेट कर सकते हैं, तो 33 केवी तक की को हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 132 जनरेट नहीं करते, मैक्सिमम 33 केवी तक के पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और डीसी में देखा जाए कितने वोल्ट तक को हम लोग डीसी को जो है जनरेट कर सकते हैं, तो वो जी हाँ वो हम 650 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं। अब कोई लोग बोलेंगे नहीं सर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर उसको आप कन्वर्ट करते रहे तो अलग बात, मगर मैं जनरेट की बात कर रहा हूं, तो आप 650 वोल्ट तक मैक्सिमम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा डिवाइस जो है जो आपको एसी से डीसी की ओर कन्वर्ट कर देता है, उसे क्या बोलते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डीसी को अगर मुझे एसी में कन्वर्ट करना हो तो हम इन्वर्टर के थ्रू से क्या कर सकते हैं हम लोग डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।